हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के सर की क्लास। इस न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट किसी भी आर्च का, थ्री हिंज आर्च जो है उसको कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल थ्रस्ट कैसे निकालते हैं और रेडियल सीयर निकालते हैं कैसे निकालते हैं। तो गाइस, यदि इस रेडियल सीयर और नॉर्मल थ्रस्ट का यदि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है, जो उसका फॉर्मूला होता है, यदि आप लोगों को नहीं आता है कि कैसे निकालते हैं, उसका जो क्लियर कॉन्सेप्ट है, जो कहाँ से आता है फॉर्मूला, यदि आप लोगों को जानना है, तो मेरा जस्ट इसके पिछले वाला जो लेक्चर है उसको आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में ये अपलोड हो गया है नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल सीयर के बारे में, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। उससे आप लोगों का नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल सीयर जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवेन है। 3 इंच पैराबोलिक आर्च, स्पैन हमारा 20 मीटर है एंड राइज 5 मीटर है। इट कैरीज अ यूडीएल 20 kN/m लेफ्ट ऑफ द हाफ ऑफ द स्पैन। एक पॉइंट लोड गिवेन है 5 मीटर पर फ्रॉम द राइट एंड एंड फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एंड नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल सीयर। तो क्या करते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर बना के हम लोग देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर कौन सा लोड गिवेन है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एक हम लोग फिगर बना लें। तो इसमें ये स्पैन है एंड ये रिएक्शन है, इसको मान लेते हैं ये आर ए, आर बी, और क्या क्या गिवन है इसमें, 20 kN/m लेफ्ट ऑफ द हाफ ऑफ द स्पैन। ये जो हमारा सी पॉइंट है, इसके इसके लेफ्ट में जितने हमारा पूरा लेफ्ट हाफ हाफ स्पैन है उस पे ये यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 20 kN/m, ये गिवन था। और ये स्पैन है, स्पैन भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, 5 मीटर राइज है, तो यहाँ पे 5 मीटर राइज हमने मेंशन कर दिया। और क्या गिवन है, 120 kN एट द 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द साइड, फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड। ठीक है, तो ये 5 मीटर पे हमारा 120 kN का लोड गिवन है, इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये जो हमारा है ये 5 मीटर है। ठीक है, और पूछा क्या क्या है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज पूछा है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। सेकेंड वन पूछा है नॉर्मल थ्रस्ट, ये हो गया, एंड रेडियल सीयर। ये चीज़ हमको पूछा है, इसमें एक डिजिट दिया है 4 मीटर, मतलब कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल सीयर जो है वो 4 मीटर पे फाइंड करना, कहाँ से लेके कहाँ तक, लेफ्ट हैंड से, मीन्स कि यहाँ से लेके इधर कहीं 4 मीटर होगा, 4 मीटर पे हमको इसमें पूछा हुआ है कि नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल सीयर कितना होगा। कि सबसे पहले काम रिएक्शन फाइंड करते हैं, आर ए और आर बी। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है, ये इसको भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहला काम होता है 3 इंच आर्च को सॉल्व करने के लिए, चाहे आपको बेंडिंग मोमेंट पूछे, चाहे नॉर्मल थ्रस्ट पूछे, चाहे रेडियल सीयर पूछे। ठीक है, उसमें आप लोगों को सबसे पहला काम होगा वो आपको रिएक्शन फाइंड करना और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड करना। तो क्या करें, चलिए हम लोग रिएक्शन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों को ये पता है कि समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर की ओर टोटल लोड होगा हमारा वो रजिस्ट करेगा किसको, जो टोटल नीचे की ओर लोड लगेंगे। ठीक है, तो जो ऊपर की ओर लोड लगा है कौन कौन सा है, आर ए और आर बी। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी, ये तो हो गया हमारा अपवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये लोड है और एक ये लोड है। ठीक है, तो ये हमारा 20 kN/m कितने डिस्टेंस पे लगा है, पूरे लेफ्ट पे, लेफ्ट मीन्स कि 10 मीटर पे। ठीक है, सेंटर से यदि इस साइड 10 मीटर है और इस साइड 10 मीटर, दोनों में लगे 20 हुए, तो ये 10 मीटर पे लगाते हैं। ये जब इसको लोड में कन्वर्ट करेंगे कंसनट्रेटेड लोड में, तो कितना हो जाएगा, 20 × 10। ठीक है, 20 × 10 प्लस और कौन सा लोड है, कंसनट्रेटेड लोड 120 kN। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 320। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करें, मोमेंट लेते हैं ए के अबाउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, एक अबाउट मोमेंट लें तो क्या हो जाएगा हमारा, आर बी इंटू के, ये डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा आर बी इंटू के 20। ठीक है, अब 120 इंटू के ये डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल जितना डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस तो 5 मीटर राइट इंड से है और टोटल हमारा 20 है, तो 20 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो 120 इंटू के 15 हो जाएगा, और हमारा कौन सा लोड बचा है, ये माइनस
20 इंटू के लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 10, ये लोड कंसनट्रेटेड लोड हो गया। अब हमको डिस्टेंस चाहिए, तो ये कहीं इस साइड लगेगा इस डिस्टेंस के बीचों बीच, तो ये हमको डिस्टेंस कितना फाइंड हो जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यदि आर बी की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 140 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आर बी की वैल्यू आ गई। अब आर ए की वैल्यू फाइंड यदि करें कितना हो जाएगा, अब ये हमारा जो टोटल लोड है 320 में से हम आर बी की वैल्यू माइनस कर दें, तो हमारा ये टोटल लोड जो हमारा टोटल लोड है 320 में से हम आर बी की वैल्यू माइनस कर दें तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 320 में से हम 140 माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 180 किलो न्यूटन। ये आर ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब हमको रिएक्शन फाइंड हो गया तो अब हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड करें। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये सी पॉइंट क्राउन होता है, क्राउन पे हम लोग क्या करें, मोमेंट ले लें, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी फ्रॉम लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, किसी भी साइड से ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो आर ए इंटू के ये डिस्टेंस, तो आर ए इंटू के 10, क्योंकि हमारा ये 10 है, और क्या इसमें आ गया माइनस, ये 20 इंटू के 10 हो जाएगा, 20 इंटू के 10। ठीक है, 20 इंटू के ये डिस्टेंस 10, और ये डिस्टेंस चाहिए हमको, और ये तो लोड हुआ, डिस्टेंस हमको हाफ पे लगेगा तो आधा हो जाएगा इसका 10/2। ठीक है, माइनस, और इसमें क्या क्या हो जाएंगे, एच इंटू के ये डिस्टेंस। ठीक है, तो एच इंटू के ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये होगा, 5 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करें, यहाँ पे आर ए की वैल्यू पुट कर दें, आर ए की वैल्यू यहाँ पे 180 पुट करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू 160 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आ गई 160 किलो न्यूटन। अब क्या करें, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमने निकाल लिया, अब हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट, कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर। ठीक है, तो क्या करें, इसमें 4 मीटर के लिए कोई एक सेक्शन काटें। ठीक है, 4 मीटर के लिए कोई सेक्शन काटें, मान लेते हैं कि हमारा 4 मीटर डिस्टेंस पे ये हमने सेक्शन कट कर दिया, ये मान लिया हमने 4 मीटर। ठीक है, ये हमने 4 मीटर पर डिस्टेंस किया, इसका कोई नाम हमने दे दिया कि ये डी पॉइंट है। अब इसी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल सीयर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट हो गया 4 मीटर पे, कितना हो जाएगा, एम एट 4 मीटर इक्वल्स टू, हमको 4 मीटर पे मोमेंट चाहिए तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमको चाहिए मोमेंट, तो आर ए इंटू के ये डिस्टेंस 4 मीटर, तो आर ए हमारा कितना है, 180। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 4 मीटर, तो हमने 4 मीटर यहाँ पे मेंशन कर दिया, और क्या इसमें आएगा, ये लोड, ये लोड भी तो 4 मीटर पे है, तो 20 इंटू के 4 मीटर, ये लोड में हो गया कंसनट्रेटेड लोड, अभी कहीं ये बीच में काम करेगा, ठीक 4 मीटर के बीच में, तो 4/2 डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, और क्या इसमें आएगा, एच इंटू की ये डिस्टेंस, ये ठीक है, ये डी पॉइंट पे ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि ये वाई डिस्टेंस है, तो एच इंटू के वाई, तो एच हमारा कितना है, 160। वाई कितना है अभी हमको पता नहीं है, तो क्या करना होगा, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वाई इक्वल्स टू होता है हमारा 4hx/L²(l-x)। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 4h कितना हमारा है, ये 5, x कितना है, ये वैल्यू है 4, l कितना है, ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर 20 माइनस 4। ठीक है, 20 माइनस 4, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना होगा, 3.2 मीटर। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट 4 मीटर पे है, इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट 4 मीटर पे कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पे 8 4 मीटर, इसमें पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये कट कर दें ऐसे, 160 मल्टीप्लाइड बाई 3.2। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा मोमेंट आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना 4 मीटर पे, वो कितना हो जाएगा, 48 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट। अब हमको फाइंड करना है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल सीयर। तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल सीयर कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखें। तो नॉर्मल थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच डी कॉस थीटा प्लस वी डी साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। तो हमको क्या चाहिए, एच डी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए और वी डी भी चाहिए और साइन थीटा भी चाहिए। तो एच डी मीन्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल चुके हैं, ठीक है। वो कितना आया था हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, एच की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोग कितना निकाले थे, 160 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमको चाहिए वी डी 4 मीटर डिस्टेंस पे। वी डी का मतलब होता है सीयर फोर्स एक तरीके से। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमने सेक्शन कट किया है, यदि ये हमने जो सेक्शन कट किया है इतने पोर्शन को हम अलग बना लें कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आर ए था, ये एच है, ये एच डी था एंड ये हमारा यू डी एल भी लगा था 4 मीटर पे, ये 4 मीटर गिवेन है। ये वाई की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 3.2 मीटर, ठीक है। और इसमें और क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 कितना था, 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड यहाँ पे एक लोड और लगेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वी डी, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा साइन थीटा वी डी, एच डी निकल चुका है ये। तो वी डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, इस पॉइंट पे मतलब कि जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आर ए जो है ऊपर की ओर लोड लग रहा है और ये 20 किलो न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है और वी डी भी नीचे की ओर लग रहा है। तो जो आर ए हो जाएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 20 × 4, क्योंकि ये लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 4 प्लस वी डी। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए में से हम ये 20 × 80 निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर ए कितना हमारा है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि आर ए की वैल्यू कितनी हमारी है, 180 माइनस ये 20 × 80 हम इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये वी डी की वैल्यू आ गई हमारा 100 किलो न्यूटन। अब हमको चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा एक फार्मूला हमको अभी बताया है कि y इक्वल्स टू क्या था, 4hx / l² l - x। यदि हम इसको dy/dx कर दें, dy/dx कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, 4h / l² lx - x², ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4h / l², इसका करेंगे तो l - 2x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx, tan थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से है, ये मान लेते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है तो इसको हम एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मानेंगे। ये मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये dy है और ये dx है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dy/dx। तो tan थीटा के dy/dx की जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू ये आ गया। तो अब क्या करें कि यहाँ से जो tan थीटा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4h / l² l - 2x, ठीक है। तो 4h की वैल्यू कितनी हमारी है, कितना दिया हुआ था, 5 मीटर। l की वैल्यू कितनी थी, टोटल डिस्टेंस 20, l भी हमारा 20 है, माइनस 2 × x। x कितना था, x इसमें गिवन था 4 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो जो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 3/5, ठीक है। ये 3/5 आ गया। अब यदि हमको फाइंड करना हो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसको एक तरीके से इस तरीके से बनाते हैं, यदि हम इस तरीके से इसको ऐसे बना लें, ये मान लेते हैं थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 5² + 3², ठीक है। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 34। और कॉस थीटा की यदि बात करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये वाला, अंडर रूट में 34। तो हमको साइन थीटा की भी वैल्यू फाइंड हो गया और कॉस थीटा की भी वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब हम नॉर्मल थ्रस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, केवल वैल्यू बस पुट करना है, बाकी सब कुछ हमको फाइंड हो गया है।
तो हमको नॉर्मल थ्रस्ट जब निकालेंगे तो वो नॉर्मल थ्रस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल थ्रस्ट इक्वल्स टू एच हमको चाहिए, एच हमने निकाल चुका है 160, कॉस थीटा हमको चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू हमारा ये 5/√34 प्लस, अब साइन वी डी चाहिए तो वी डी की वैल्यू कितना निकाला मैंने ये, ठीक है 100 किलो न्यूटन, तो 100 किलो न्यूटन यहाँ पे नोट कर लिया। साइन थीटा की वैल्यू ये 3/√34 है तो इसको भी हमने नोट कर लिया। तो जो नॉर्मल थ्रस्ट फाइनली सॉल्व करने के बाद आएगा वो कितना हो जाएगा, 188.65 किलो न्यूटन, ठीक है। अब रेडियस ईयर निकालें, ये हमारा नॉर्मल थ्रस्ट आ गया। अब रेडियल सीयर निकालें तो रेडियल सीयर क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला देख लेते हैं रेडियल सीयर का। तो रेडियल सीयर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू फार्मूला क्या है हमारा, एच डी साइन थीटा माइनस वी डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एच डी साइन थीटा का और वी डी कॉस थीटा का। तो एच डी हमारा 160 है, साइन थीटा अभी हमने ऊपर देखा था 3/√34, वी डी की वैल्यू 100 निकाले हम लोग, कॉस थीटा की वैल्यू 5/√34, ठीक है। तो जब हम रेडियल सीयर की फाइनल वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, रेडियल सीयर इक्वल्स टू वो आ जाएगी माइनस में 3.43 किलो न्यूटन। ये माइनस जो साइन है वो ये दिखाता है कि जैसे कि हमारा कोई भी रेडियल सीयर हमने इस पर टेंजेंट किया, हमने ये किया तो जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, मीन्स जो पहले ये रहा होगा नीचे की ओर वो ऊपर की होगा और फिर जो ऊपर की है वो नीचे की ओर होगा। तो बस ये जो है ना रेडियल सीयर डायरेक्शन शो कर रहा है साइन जो भी है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।